सर, मंत्री बनने के बाद पहली बार जो है आप अपने गांव पे आए हैं सर, मगध क्षेत्र में जहानाबाद से आपका बहुत लगाव रहा है, क्या आगे कैसे विकास होगा सर? देखिए, सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं जो उन्होंने हमको अपने मंत्रिमंडल में रखने का काम किया और मंत्रिमंडल में रख कर के भी एक ऐसा विभाग का दायित्व दिया है जिस विभाग के बारे में पहले बहुत कम जानते थे, अब जानने लग गए हैं कि सूक्ष्म से लेकर के मध्यम वर्ग तक के जो उद्योग करने वाले उद्यमी हैं उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस बहाने हम जो बिहार में और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, बेरोजगार की स्थिति है, उसको बहुत हद तक के हम दूर कर सकते हैं, गरीबी को हम दूर कर सकते हैं और हर जगह जो हम अभी देख रहे हैं, चाहे गया हो, जहानाबाद हो या नगर हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा विभाग है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसकी इकाइयाँ हमको अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सब जगह इसकी इकाई होनी चाहिए, नहीं है तो उसकी स्थापना करेंगे, स्थापना करके हजारों लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का दर से नियोजित करेंगे और यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हम जोर मदद करेंगे, ऐसे हमारे दिमाग में बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युवा हम पर सदा है, हमको हर तरह से सहयोग करेंगे, वो कह के दिए हैं कि हम अपने विजन का विभाग मान लीजिए आपको दे रहे हैं, हम उनके विजन के रूप में अपने को सिद्ध साबित करना चाहेंगे और बिहार को विशेष करके गया को और जहानाबाद को और अहमदाबाद को नवादा को ये सब को हम अपने विभाग का अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास करेंगे।